आज विश्व जनसंख्या दिवस है और बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.4 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं और भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार अगर ऐसी ही आबादी बढ़ती गई तो 2030 तक भारत की दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की उम्मीद है। राजस्थान की बात करें तो यहां स्वास्थ्य विभाग एक साल में करीब 150 करोड़ रुपए तक परिवार नियोजन के लिए खर्च करता है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए 1995 में कानून बनाया गया था और इसमें जनप्रतिनिधियों के 2 से अधिक बच्चे होंगे उनके पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए रोक लगाई गई थी। उसके बाद भी 2002 में कानून बना दिया गया जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती, लेकिन अब इस कानून को बदलकर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। भी मांग है कि राज्य में जो पुराना कानून है जो 1995 में बना हुआ है उसको पूर्णतः समाप्त कर 2022 से राज्य के अंदर एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून दोबारा से लागू करें। ये अब अति आवश्यक हो गया है। जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से हमारे संसाधन घट रहे हैं और जिस हिसाब से आज बेरोजगारी बढ़ रही है तो आने वाले समय में ये देश और प्रदेश गृह युद्ध की ओर बढ़ जाएगा। ये वैज्ञानिकों की भी घोषणा है कि 27 वर्ष 251 दिन बाद पूरे विश्व के अंदर हम अन्न और जल के लिए लड़ेंगे, तो आने वाले समय में हमारे देश और प्रदेश की क्या हालात होगी इस ओर अगर हमने चिंता नहीं किया तो बहुत बड़ा हम पछतावा होगा आने वाले समय में और हमारी पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आज देश के अंदर जनसंख्या का धार्मिक असंतुलन भी हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा और एक चुनौती साबित होने जा रहा है।